और अध्याय कि तुम समझते भी नहीं हो कि तुम बचकाने हो, तो मैं ही तुम्हें समझाए देता हूँ, कान में ही काम की बात बताए देता हूँ कि सबका सब कुछ पा लेने की देहुदा जितने तुम्हें बचकाना बना दिया है और तुम समझते हो कि तुम कुछ हो। वाह, उम्र के इस पड़ाव पर भी जोरदार तालियां। तुम कितने बचकाने हो। एक व्यंग की बात कहिए तो व्यंग करता हूँ जी। स्वागत। अपनी अस्तित्व के इस राशि में उंगलियां फिराते हुए मैंने मुझसे पूछा, क्यों भाई उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। क्या बात है। अपनी अस्तित्व के इस राशि में उंगलियां फिराते हुए मैंने मुझसे स्वयं पूछा, क्यों भाई उम्र के इस पड़ाव में भी तुम कितने बचकाने हो। हाँ हो तो हो तुम बचकाने हो। हाँ हो तो ये जो उंगली है ना, ये बहुत गलत दिशा में उठ गई, क्योंकि मेरे कई मित्र इस उंगली से दुश्मन बन चुके हैं। इस कविता के बीच में जो उठ जाती है, अपनी अस्तित्व के इस राशि में उंगलियां फिराते हुए मैंने मुझसे पूछा, क्यों भाई उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। हाँ हो तो हो, और हद यह है कि तुम समझते भी नहीं हो कि तुम बचकाने हो। और अब यह कि तुम समझते भी नहीं हो कि तुम बचकाने हो, तो मैं ही तुम्हें समझाए देता हूँ, कान में ही काम की बात बताए देता हूँ कि सबका सब कुछ पा लेने की देहुदा जितने तुम्हें बचकाना बना दिया है और तुम समझते हो कि तुम कुछ हो। वाह, उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। जोरदार तालियां। तुम कितने बचकाने हो उम्र के इस पड़ाव पर भी। लेकिन जब कभी कहीं कविता या कवि को नहीं सराहा जाता, सच को जब स्वीकार किया नहीं जाता, तब कोई भी व्यक्ति किस स्तर तक उतर जाता है इस पीड़ा को लिए हुए। एक व्यंग यदि सबको भा जाए, राजनीति पर भी, समाज पर भी, आध्यात्म पर भी, सभ्यता पर भी, संस्कृति पर भी, कविता पर भी, तो मुझे अपने घर का एक बार जोरदार तालियों से बिल्कुल सूचित कर दें, अपने घर का सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे अनगढ़ कवि समझकर सुभाषिस दे देना, यथायोग आशीर्वाद दे देना कि हमें आपको कविता सुनानी है, आपको हंसना है एवं तालियां बजानी है। वैसा कविता का उद्देश्य, कविता को यदि उत्साहवर्धन नहीं मिलेगा तो फिर कभी हम कहते हैं कवि सस्ते हो गए, कवियों को सस्ता हमने बनाया, अच्छे कवियों को सम्मान न देकर। हमें आपको कविता सुनानी है, आपको हंसना है एवं तालियां बजानी है। कविता की प्रतिक्रिया पर यदि आप ठंडे पड़ जाएंगे, इधर उधर ताकेंगे, बगलें झांकेंगे, तो हम आपको मनमोहक बातें सुनाएंगे। हम आपके हैं कौन आपको बताएंगे। आप फिर भी रहे सोते, नींद में खाते रहे गोते, तो साथियों उड़ जाएंगे हमारे तो हाथों के तोते। डकराएंगे कभी, कराएंगे रेंकेंगे कभी, मिमियाएंगे तरह तरह के मुंह बनाएंगे, हाथ पैर फेंकेंगे निसंदेह, कूल्हे तक मटकाएंगे। हाथ पैर फेंकेंगे निसंदेह, कूल्हे तक मटकाएंगे। आप फिर भी नहीं पिघले जनाब। गगनवासिनी हाथ पैर फेंकेंगे निसंदेह, कूल्हे तक मटकाएंगे। आप फिर भी नहीं पिघले जनाब, तो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट पर उतर आएंगे। पुलिस करती है इस काम को, और नंगापन भी यही होता है। आप फिर भी नहीं पिघले जनाब, तो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट पर उतर आएंगे। मेरे देश की छद्म धर्मनिरपेक्षता की तरह नंगे हो जाएंगे, और जब किसी फिल्मी सस्ती हीरोइन की तरह थोड़े कम कपड़ों में ज्यादा जोर लगाकर नाचेंगे गाएंगे, तो आप क्या मेरे स्वर्गवासी पिता भी स्वर्ग में हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। बस
करो बस, यही तो हमारी दुखती है जिस पर वर्षों से आपने अपनी उंगली रख दी है। पर घर जाते वक्त अपने दिल पर हाथ रख, सोचना तो मेरे माई बाप के नंगा आखिर नंगा होता है। कोई व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक होता है। पहले के लोग नंगों को देख घृणा से थूकते थे, पत्थर मारते थे, अब के लोग नंगों पर मरते हैं, जान तक छिड़कते हैं। अब कोई नंगा हो करके नंगा करवा देता है ना नंगा, तो कोई नहीं लेता पंगा, सब दांत दिखाते हैं। तो कोई नहीं लेता पंगा, सब दांत दिखाते हैं, झुक झुक जाते हैं और उसके इस महान कार्य की यही तो सजा देते हैं। हाथों हाथ उठा लेते हैं, सरकार ताल बना देते हैं, सरकार ताल बना देते हैं। आधी रात को घर लौटने पर, दरवाजा खटखटाने पर, परम आदरणीय जी ने तेजी से दरवाजा खोला। हमारी हालत और कद को सर से पांव तक तोड़ा, आंखों में सुर्खी, हाथों में धुंध डंडिका, कमीज पट्टी की छीट, चप्पल की टूटी पट्टिका, मुड़ी चश्मे की कमानी, बिखरे हुए बाल, जनाब माथे पर हल्की खरोंच, पिचके हुए गाल, तत्काल किया भौगोलिक परीक्षण हमारा। शक्ल पर बज रहे थे पूरे के पूरे बाल। लड़ाई हुई है मंचों पर, मुरादाबाद में मार पछाड़ पीकर, शक्ल पर बज रहे थे पूरे के पूरे बारह। पहले चीनी सिगरेट, फिर बोल दी डिक्टेशन इमला, पहले आप, फिर तुम, फिर तू बोला, प्रथम छह छोड़ दिए, सीधा सातवां सर खोला। देखो भाई, हर आदमी की बीवी उसके लिए कश्मीर होती है, और रमाकांत रमन तुम अपनी जानो हमारी है, हमारे लिए कश्मीर। कश्मीर की घाटी में उठता धुआं दे, हमने उचित ही समझा झुकना, मन ही मन स्मरण किया गांधी जी का अहिंसा परमो धर्मा, स्वर को काबू में करते हुए बन गए भोले, तदुपरांत बोले, देवी तुम महान हो, धैर्य में पृथ्वी, चाल चलन में आसमान हो, हम जहां भी जाते हैं तुम्हारा ही तो गुणगान करते हैं, तुम्हारी कसम हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सुनकर मेरे ये अर्पित श्रद्धा शब्द, उन्होंने तो बची खुची बखिया भी उधेड़ दी। सुनकर मेरे अर्पित श्रद्धा शब्द, उन्होंने तो बची खुची बखिया भी उधेड़ दी। बोली, अरे मेरे प्यार में तो कमबख्त, तूने पूरी की पूरी कविता ही उसेड़ दी। उससे अच्छा तो मेरे मेके वाला वो घसीटा है, बेशक उसने अपनी पत्नी को पहले कई बार पीटा है, घोड़ा तांगा ही तो चलाता है, शाम को जब घर आता है जलेबी लेकर आता है। और वो नेताजी की दीदी हर महीने नई साड़ी लाती है, देख मुझको देख करके कैसे कैसे आंखें मटकाती है, बिना पूछे कीमत 100 रुपए और अधिक बताती है, और एक नाश पीटे तू है, और एक नाश पीटे तू है कि सही शाम वैश्याम की तरह सर समर कर निकल जाता है, जाने कहां कहां जाता है, किस किस हांडी का मुंह चाटता है, गए रात जब घर आता है मेरा सुकड़ो, तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाने वाला गाना गाता है। हमने कहा, देवी हम कवि हैं, सर्वत्र होता है हमारा सम्मान, इतनी अधिक मात्रा में तुम मत करो कम से कम हमारा अपमान। देखती नहीं हो, कंडक्टर से कलेक्टर तक, चपरासी से इंस्पेक्टर तक, सबके सब हमसे हाथ मिलाते हैं, हम आए दिन छोटे बड़े सभी अखबारों में छप जाते हैं। अपने व्यक्तिगत आक्रोश को थोड़ा सार्वजनिक हित में लगाओ, फिर पाओ कि तुम्हारे दिल और दिमाग की तरह आजकल पूरे देश में भी एक तूफान खड़ा है। देख नहीं रही हो, अकेले बेचारे मोदी के पीछे पूरा का पूरा विपक्ष हाथ धोकर पड़ा है। तो जनाब, इस तरह हमारी बात पटुता एवं सहन शक्ति ने आखिर अपना रंग दिखाया। देवी जी का पारा थोड़ी देर में तू से तुम पर उतर आया। थोड़ा बल खाते हुए, इटलाते हुए, हमें कुनिहाते हुए बोली, क्यों जी, तुम रात रात भर नेताओं पर, पुलिस वालों पर, मंदिरों पर, शिवालों पर, कुर्सियों पर, हवालों पर, सत्ता के दलालों पर, गड़बड़ घोटालों पर कविताएं तो बहुत खूब करते हो, पर सच सच बताऊं, सबसे बड़ा घोटाला तो तुम स्वयं करते हो। ताली बजाओ, जब घोटाला सुनोगे तो वास्तव में ताली बजाओगे कि सबसे बड़ा घोटाला तो तुम स्वयं करते हो, कि नशे की जुम में, धुएं की धुंध में, पराई औरतों के घुमराले बालों पर, बिंदिया पर घूमटों पर, मधमाती चालों पर, चांद पर चांदनी रातों पर, हवा हवाई बातों पर कविताओं की ऐसी तैसी कर।
और यदि नहीं करते हो तो फिर क्यों नहीं करते हो कविता। कविता यही कविता है, आठ पंक्तियां बाकी लफाजी थी। और यदि नहीं करते हो तो फिर क्यों नहीं करते हो कविता। भाइयों के बीच पड़ती हुई दरारों पर, माँ बेटों के टूटते कौल करारों पर, बेहद लूटे डोलियों के कहारों पर, दोनों डोलियों के कहारों पर, आंगन में कुत्ती खाई उठती ऊंची ऊंची दीवारों पर। और यदि ये भी न करने का हो तुम्हें साहस तो बाकी कुल तो मार दो लात, इतना तो करो बस कि एक कविता लिखो मेरे चेहरे पर पड़ती हुई झाइयों पर, अपनी बेटियों की बढ़ती हुई लंबाइयों पर, तेज ढोलों के बीच दम घुटती सेनाइयों पर, दूल्हों की आसमान छूती महंगाइयों पर। और जब लिख सको ना वो तुम कविता तो सबसे पहले मुझे सुनाना, तालियों की भूख में किसी मंच पर मत चिल्लाना, क्योंकि उसका उचित पारिश्रमिक मैं ही तो तुम्हें दे पाऊंगी, क्योंकि उसका उचित पारिश्रमिक मैं ही तो तुम्हें दे पाऊंगी, कुसुमलता बनकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चारों ओर लिपट जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।